आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने तीन पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। बेसिक से लेके एडवांस तक के जो भी डिफरेंट वेराइटीज हो सकती थी उसको इंक्लूड करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से आपको फंडामेंटल्स भी समझाए। ये चौथा पार्ट बहुत अहम और आखिरी पार्ट है जहां पर हमने कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स उठाने का प्रयास किया है और हम एक एक करके उनको लेंगे, उनमें जो भी टेक्निकलिटीज है उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं वहां पर इसको भी बताएंगे, उनकी स्टेबिलिटी चेक करना भी बताएंगे और क्या वो स्ट्रक्चर लेजिटिमेट स्ट्रक्चर है, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे अपने पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में हम लोग किसी एक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा की हम बात करेंगे। तो हमने स्ट्रक्चर ए ले लिया। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ए हमको एग्जाम में दिया गया और हमसे पूछा गया कि क्या यहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, और है तो वहां कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये वाला है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला है कि कौन सा है। तो हमने पॉसिबिलिटीज यहां ड्रॉ की है और कैसे ड्रॉ की है ये हम आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे क्या वो सही है या गलत है और लास्ट में स्टेबिलिटीज को कंपेयर कराएंगे। तो सबसे पहले हमने ए से बी को बनाने का प्रयास किया और अपने इस प्रयास में हमने पहले एक चीज गौर की और तब जाके बी को बनाने का प्रयास किया। हमने इस सेगमेंट को ध्यान में दिया। बच्चों, आप देख सकते हैं ये प्लस सिंगल डबल वाले सेगमेंट को हमने नजर में रखा या मेरी नजर पड़ी वहां पे एज ए स्टूडेंट। तो हमने देखा यार ये प्लस सिंगल डबल तो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन का एक माध्यम होता है और क्या यहां पर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम लोग जैसा करते हैं आमतौर पे वैसे ही हमने भी आगे किया। हमने इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया तो आप देख सकते हैं जिस कार्बन से दूर जाएगा उससे प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां प्लस आ चुका है और ये पाई बॉन्ड अब ये एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया और जिसके पास जाएगा तो आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास जा रहे इलेक्ट्रॉन तो उसमें माइनस आएगा। लेकिन जब माइनस आएगा तो पहले से एक प्लस फॉर्मल चार्ज है, माइनस अलग से आया तो प्लस माइनस मिलके जीरो फॉर्मल चार्ज हो गया। तो ये आपने अपने जो पुराने एग्जाम्पल थे अगर आप याद करें, कार्बन पे प्लस चार्ज, सिंगल डबल बॉन्ड, इस प्रकार के हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं क्योंकि इसको कॉन्जुगेशन बोलते थे, वैसा ही सोच रखकर हमने स्ट्रक्चर बी बना लिया है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें ये भी एक ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है इज नॉट पॉसिबल, इज इनकरेक्ट। तो हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली इंक्लूड किया है केस सो दैट कि हम आपको पिन पॉइंट कर सकें कि एज अ स्टूडेंट आप गलती कहां करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। तो अब हम देखेंगे आखिर प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, ये जो नाइट्रोजन है बच्चों ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहां पर चार ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p के तीन, 2s का एक ऑर्बिटल होता है और 2p के तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, चाहे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके पास अपने वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में चार ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एक ऑर्बिटल की मदद से आप एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो चार आपके पास ऑर्बिटल हैं तो आप मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, चार। आप पांच नहीं बना सकते। और हमने जैसा बताया एक ऑर्बिटल की मदद से दो इलेक्ट्रॉन आता है तो चार की मदद से आठ आ सकते हैं मैक्सिमम। और यहां आप देखिए कि पांच बॉन्ड है, चलिए काउंट करते हैं,
1, 2, 3, 4 और 5. 5 2s are 10. यानी नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन को पॉसेस कर सकता है आउटर मोस्ट में, जो कि इनकरेक्ट है। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट 8 के ऊपर नहीं जा सकते, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते, 4 बॉन्ड के ऊपर नहीं बना सकते। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। तो इस न्यूट्रल नाइट्रोजन में ये जो पेंटावेलेंट बनाया है आपने, ये गलत स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन नहीं सही है। ये जो आपने प्लस सिंगल डबल वाला कॉन्जुगेशन मान लिया, ये नहीं सही है। ये तो एक रीजन हो गया, हमने बॉन्डिंग के आधार पर ये चीज समझाई, वैलेंशियल के आधार में एक बात हमने कही। जो दूसरा इसका समझने का तरीका है वो ये है, जब बच्चों हम लोग बात करते थे कार्बन की, जैसे हमने कार्बन की चर्चा की थी और कई बार हमने की है पिछले अपने पार्ट्स में, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो कार्बन था वो कैसा था। वो कुछ इस प्रकार से था, कार्बन पे प्लस चार्ज, सिंगल और ऐसे देखिए डबल, ये वाला पोर्शन हम हमेशा कहते थे ये कॉन्जुगेशन है, और इसी को हम बोलते थे प्लस सिंगल डबल, और ये डबल इधर शिफ्ट करता था और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नया तैयार हो जाता था। लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है स्टूडेंट, जो हमने आपको बताई थी, वो कंडीशन ये है, इस कार्बन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। और ये पहले 3 बॉन्ड बनाता था, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है वो पहले 3 बॉन्ड बनाता है, और जब एक शिफ्ट होकर आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4। तो इसने 4 को एक्सीड नहीं किया, ऑक्टेट का वॉयलेशन नहीं होगा, और इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था जिसमें इसने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया। आपको बता दें ये चीज इस नाइट्रोजन में नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसके इस्तेमाल से वो इस कॉन्जुगेशन को अवेल कर सके। तो ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। तो ये एक गलती हो सकती थी जो हमने आपको आगाह किया कि वो गलती नहीं करनी है। अब चलिए अपने अगले दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर हम लोग ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो बी तो हमको बनाना नहीं है, चलिए अब सी की चर्चा कर लेते हैं कि क्या सी की कैसी पॉसिबिलिटी है, सी को कैसे बनाया जाता है। अब हमने जब सी पर नजर डाला तो देखिए हमने कैसे बनाया, ध्यान से देखेंगे, हमने पॉसिबिलिटी देखी, ध्यान से देखेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है ए, ये देखिए इसको बोलते हैं डबल सिंगल डबल। जैसे प्लस सिंगल डबल होता है, जैसे माइनस सिंगल डबल होता है कॉन्जुगेशन, जैसे लोन पेयर सिंगल डबल होता है कॉन्जुगेशन, वैसे कॉन्जुगेशन का सिम्टम है, सिंबल है डबल सिंगल डबल। तो ये जो डबल सिंगल डबल का अल्टरनेशन है मल्टीपल बॉन्ड्स का, यहां पर पॉसिबिलिटी होती है। और यहां पर कैसे रेजोनेंस करना आपको सिखाते हैं, ये जो डबल सिंगल डबल है इसके टर्मिनल एटम्स को देखिए, लास्ट के एटम्स को देखिए, तो आप देखेंगे यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, तो आपको शिफ्टिंग करनी है ज्यादा ताकतवर पर। और वो शिफ्टिंग कैसे करनी है हम अगली स्लाइड ले लेते हैं, फ्रेश स्लाइड इसमें बताते हैं। तो आप देखिए कि यहां पर कार्बन है, ये देखिए कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, और ये ज्यादा ताकतवर है, तो शिफ्टिंग इस पर करनी है। देखिए कैसे करेंगे, कम ताकतवर से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे एक पोजीशन, और ज्यादा ताकतवर पर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे साइमल्टेनियसली। तो देखिए इस कार्बन से दूर गए तो इससे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो देखिए प्लस चार्ज आ चुका है, ये पाई बॉन्ड एक पोजीशन आगे शिफ्ट हुआ, देखिए एक पोजीशन आगे यहां पर आ गया, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर चढ़ के बैठ जाएंगे, और हमने आपको बताया है जिस पर इलेक्ट्रॉन चढ़ के बैठते से माइनस चार्ज आता है। तो देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन चढ़ के बैठे तो इस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ गया, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो पाई बॉन्ड बना रहे थे, अब वो एज अ लोन पेयर दिखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो पहले ऑक्सीजन पर देखिए 2 लोन पेयर था, 1 2, अभी पाई वाले 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितने लोन पेयर हो गए? 3। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना लिया।
और ये एक लेजिटिमेट पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर डी हमने कैसे बनाया, तो चलिए अब डी की बात कर लेते हैं। तो हम फिर से एक फ्रेश लेंगे, तो ए से हमने देखा कि जो पॉसिबिलिटी है वो बी की नहीं है, यहां से सी की पॉसिबिलिटी थी, कैसे थी हमने आपको बताया। अब डी की पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। जब आप स्ट्रक्चर डी देख रहे हैं तो उसमें हमने एक नया कॉन्जुगेशन खोजा है और इस कॉन्जुगेशन में हमने इसको शामिल किया, देखिए जो रीजन इनक्लोज कर, ये देखिए प्लस सिंगल डबल, ये प्लस कार्बन पर है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन पर नहीं है, और कार्बन पे जो प्लस होता है वहां पर तीन ही बॉन्ड होता है कार्बन का, और कॉन्जुगेशन के माध्यम से रेजोनेंस करके वो चार बॉन्ड बना सकता है, और वो कैसे बनाता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है एक पोजीशन आगे टुवर्ड्स द प्लस चार्ज फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। तो जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है तो प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, और जिसकी तरफ जा रहे ये जो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन है इसकी तरफ जा रहे थे तो इस पर माइनस आएगा, और प्लस माइनस देखिए क्या हो गया, जीरो, और ये पाई बॉन्ड एक पोजीशन आगे भी शिफ्ट कर गया है। तो इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर डी बना लिया। अब बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तीन पॉसिबिलिटीज हमने ड्रॉ की थी ए सी और डी, इनमें हमको कंपेयर करना है जो लास्ट अब चीज है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है कौन सा कम स्टेबल है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। अब इस चर्चा में थोड़ी हम स्लाइड साफ कर लें और हम फिर चर्चा करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है कौन सा नहीं अच्छा है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर था, ये कुछ इस प्रकार था, ये ऐसे था और ये ऐसे। तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब आप ए की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ए बहुत खास स्ट्रक्चर है, ए में सारे ऑल एटम्स ऑक्टेट कंप्लीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी एटम का आप ले लीजिए, चाहे नाइट्रोजन का जैसे ले ले, चार बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, फोर टू जा एट, ऑक्टेट पूरा है। कोई ऑक्सीजन उठा लीजिए, जैसे ऊपर वाला ले लिया तो तीन लोन पेयर हो गए, एक दो तीन, थ्री टू जा सिक्स, और ये एक बॉन्ड हो गया सिक्स प्लस टू एट। कोई भी आप एटम ले लें, ये स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट पूरा है। और अगर आप सी और डी से तुलना कराएं और आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो स्ट्रक्चर ए है इसमें बॉन्डों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपस में बॉन्डों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। तो जब हम ये बात कह रहे हैं तो जरूर सी और डी में खामी होगी, और आपको बता दें वो खामी क्या है, वहां पर कार्बन एक ऐसा आइटम आप पाएंगे दोनों ही स्ट्रक्चरों में जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चलिए देखते हैं। अब जैसे हमने अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया, इस पर हम आए तो हमने ये देखिए, इस कार्बन पे जिसमें प्लस चार्ज, उसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कार्बोकेटायन है, दो बॉन्ड तो दिख रहे हैं, हमने आपको बताया था कार्बन जिसमें प्लस चार्ज होता है, जो कार्बोकेटायन होता है वो तीन बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, जो दिख रहा है तो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, इसी प्रकार यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कार्बोकेटायन तीन बॉन्ड बनाता है, जो दिख रहा है वो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, जो नहीं दिख रहा है वो आपको बनाना है कार्बन हाइड्रोजन से सैटिस्फाई करना है। तो अगर आप यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करें तो इधर देखिए दो इलेक्ट्रॉन इससे आगे, दो इलेक्ट्रॉन इससे आगे, दो इलेक्ट्रॉन इससे आगे, छह इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटायन के पास, छह इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसी प्रकार आप इसकी चर्चा करें डी वाले की, तो यहां भी तीन बॉन्ड से छह इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एक बॉन्ड से दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस वाले कार्बोकेटायन में भी छह इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इस तर्ज पर, इस बात पर आप कंपेयर कराने के लिए समय तैयार है कि स्ट्रक्चर ए ही एक ऐसा स्ट्रक्चर था जहां पर हर एटम का ऑक्टेट पूरा था, पूरे स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे वो भी मैक्सिमम थे सी और डी की तुलना में। आपका होमवर्क है, आप काउंट करके देखिएगा,
और सी और डी की खामी क्या थी, वहां पर एक ऐसा आपको एटम मिला कार्बन नाम का जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 थे और बॉन्डों की संख्या भी ए के मुकाबले कम थी। तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आदमियों के बीच में, लोगों के बीच में बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ए है। यहां पे एटम्स के बीच में ज्यादा बॉन्ड्स हैं, वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये तो पता चल गया कि ए इज सुपीरियर, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन अब चर्चा का विषय ये है कि सी और डी में कैसे कंपेयर कराया जाए। तो चलिए अब हम लोग सी और डी में कंपेयर कराएंगे। थोड़ा सा स्लाइड को हम यहां साफ कर लेते हैं और फिर हम कंपेयर कराने चलेंगे सी और डी में। अब बच्चों आप सी और डी में जब कंपेयर करा रहे हैं तो बहुत ही सरलता से आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप देखिए यहां पर सी वाले में ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, आप देख सकते हैं। डी वाले में आप ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज देख सकते हैं, और आप जानते हैं ये प्लस और प्लस रिपल्शन करते हैं, और जितना नजदीक रहेंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होगा और जितना दूर रहेंगे उतना रिपल्शन कम होगा। तो ये बहुत सरल सी बात हमने आपको बताई। अब आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कहां रिपल्शन कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां रिपल्शन ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप देखिए यहां पर प्लस और प्लस चार्ज के बीच की दूरी कम है, कितने कार्बन है बीच में, एक। यहां से स्टार्ट हुआ, ये इंटरवीनिंग कार्बन है, प्लस आ गया, मतलब नजदीक है। और अब इन दो प्लस के बीच में देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में, एक दो तीन, यानी दूरियां ज्यादा है प्लस और प्लस के बीच में। तो झगड़ा, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये कहा जाता है टेक्निकली कि अगर अपोजिट चार्जेस है प्लस और माइनस तो वो करीब रहे तो अट्रैक्शन रहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, और अगर सेम चार्जेस है प्लस और प्लस हो या माइनस और माइनस हो, ये कहीं एक दूसरे के करीब आ गए तो रिपल्शन जबरदस्त होता है और स्टेबिलिटी घट जाती है। इस आधार पर, ये बात को ध्यान रखिएगा, सवालों में पूछा जाता है, इस आधार पर हम तय करने की स्थिति में आ गए कि ए तो विनर था, अगला नंबर आता है सी का, और सबसे अगला नंबर आता है डी का, और सबसे पीछे हो जाता है सी वाला। और कारण हमने आपको बता दिया कि भाई ये जो सी वाला था, या प्लस और प्लस एक दूसरे के सबसे करीब थे और रिपल्शन ज्यादा था तो स्टेबिलिटी कम है। यही आपकी सोच होनी चाहिए एक सरल और फंडामेंटल्स पर आधारित। तो चलिए हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, पिछले सवाल की तरह कई यहां पर आपको टेक्निकलिटीज मिलेगी, हम एक एक करके बहुत ही सरलता पूर्वक आपको समझाने वाले हैं। एक कोई स्ट्रक्चर उठा लेंगे, फिर बाकी स्ट्रक्चर पहले बना के आपको दिखाएंगे कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बाकी स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, और बाद में लास्ट में आप जानते हैं हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कराएंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रक्चर नंबर ए से। तो चलिए हम ले लेते हैं अपना स्ट्रक्चर ए। ये जो बच्चों आप स्ट्रक्चर ए देख रहे हैं, ये आप देखते ही समझ गए कार्बोकेटाइन है, क्योंकि बच्चों देख सकते हैं कार्बन पे प्लस चार्ज है, और हमने आपको बता के रखा है कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है जिसमें प्लस चार्ज होता है वो तीन बॉन्ड बनाता है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे आप सरलता पूर्वक देख सकते हैं इस कार्बन से 3 बॉन्ड जुड़े हैं, ऑक्सीजन से 2 और इस कार्बन से 1, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड स्ट्रक्चर है, अच्छी बात है। अब हम इस स्ट्रक्चर ए में कोई एक कॉन्जुगेशन पहचान लेते हैं, कोई एक चीज पहचान लेते हैं जो रेजोनेंस कराने में सक्षम हो, और फिर हम रेजोनेंस कराएंगे। तो यहां पर हमने देखा और हम जानते भी थे कि कार्बन पे प्लस चार्ज हो, ध्यान से सुनेंगे, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये जो स्थिति है ये कॉन्जुगेशन की स्थिति होती है, प्लस सिंगल डबल, और प्लस किस पर, कार्बन पर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जानते हैं कि हम लोग पाई बॉन्ड एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते हैं, और अभी हम लगातार ऐसे उदाहरण देते चले आ रहे हैं। तो जिससे दूर जाएगा, मतलब इस कार्बन से दूर जाएगा, तो इससे प्लस आएगा, देखिए प्लस आ चुका है, और पाई बॉन्ड एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया, आगे देखिए शिफ्ट हो चुका है, मतलब हम ए से बी जा रहे हैं।
और जिसकी तरफ जाता है उस पर माइनस आता है। तो इस कार्बन जो प्लस चार्ज था उसकी तरफ गया तो उससे माइनस आया और प्लस पहले से था, प्लस माइनस मिलकर देखिए क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बी आपने बना लिया। जो आप स्ट्रक्चर बी बनाए हैं ये भी कार्बोकेटायन है। ये कार्बोकेटायन क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको एक ऐसा कार्बन दिखता है जहां पर प्लस चार्ज है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ए से डिफरेंट है और ए और बी एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको देखने के बाद फिर हम अगली पॉसिबिलिटी सोचते हैं, क्या यार यहां और भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, इसको ध्यान से देखेंगे और हम ये फ्रेश स्लाइड लेंगे तब समझाएंगे। तो हम बच्चों ए से बी तक पहुंच गए थे और अब आगे की चर्चा है कि यहां पर प्लस चार्ज है, पॉसिबिलिटी है बच्चों प्लस सिंगल और लोन पेयर अगर हो। हमने आपको बताया था कार्बोकेटायन में, आप मेरा पार्ट वन जरूर देखिएगा, उसमें ऐसे कई उदाहरण हमने लेके ऑर्बिटल का साइज पर भी हमने काफी कुछ जिक्र किया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। यहां पर प्लस है और ठीक इससे डायरेक्टली एक हेट्रो एटम जुड़ा है और उसके पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, जिसके पास लोन पेयर हो तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। और आपको कैसे करना है, ये लोन पेयर शिफ्ट होता है ऐसे आगे। तो बच्चों ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन से दूर हो जाता है, तो देखिए जिससे दूर गया उससे प्लस आ गया, जहां जाता है वहां पाई बॉन्ड बनाता है। देखिए पाई जब चढ़ के बैठता है तो लोन पेयर बन जाता है और लोन पेयर जब आगे की तरफ फिसलता है तो पाई बन जाता है। तो ये लोन पेयर आगे की तरफ फिसला है, ये पाई बन गया है और देखिए आपके पास ये नया पाई बॉन्ड आ चुका है और जिसकी तरफ जाएगा उसमें माइनस आएगा। तो इस कार्बन की तरफ जा रहा है तो इसमें माइनस आया और प्लस और माइनस मिलकर देखिए क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया। तो ये आपने एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ए से बनाए थे बी और बी से हमने बना लिया डी। अच्छा तो डी बन के तैयार है, अभी हम स्टेबिलिटी की चर्चा बाद में करेंगे, अब हम अगली पॉसिबिलिटी की तरफ नजर डालते हैं। जब आप ए देख रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी तो आपने ये देखी कि यार ये प्लस है, ये सिंगल है, डबल है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई और इस पॉसिबिलिटी से आपने क्या बना लिया, बी। एक अगली पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है, ये जो प्लस है ध्यान से सुनेंगे, इसके ठीक बगल में एक हेट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर है और अभी जो चर्चा हमने की बी से डी जाने की, वही चर्चा हम ए से सी जाने में भी करेंगे। ये जो बगल वाला लोन पेयर है ये डोनेट हो जाएगा इस कार्बोकेटायन को और जैसे ही डोनेट होगा ऑक्सीजन से दूर जाएगा तो ऑक्सीजन में बच्चों ये देखिए प्लस आ गया, पहले दो लोन पेयर थे अब एक ही बचेगा क्योंकि एक लोन पेयर फिसल के पाई बॉन्ड बना लिया। तो अब दो की जगह यहां पर देखिए कितने पाई बॉन्ड हो गए, दो बॉन्डों की जगह देखिए कितने बॉन्ड हो गए, तीन, इसमें दो पाई बॉन्ड है। तो एक ही लोन पेयर आगे फिसल के एक नया पाई बॉन्ड बना लिया और जिसकी तरफ गया इस कार्बन की तरफ उसे माइनस आया, तो पहले से प्लस था माइनस आया, फॉर्मल चार्ज जीरो हो गया। तो आपने ये स्ट्रक्चर सी भी बना लिया। तो इसको बनाने के लिए हमने दो बातों का इस्तेमाल किया, पहली बात प्लस सिंगल डबल का इस्तेमाल किया, वो एक कॉन्जुगेशन देखा, और अगला जो इस्तेमाल किया वो प्लस के बाद अगर डायरेक्टली कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसको हेट्रो एटम बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, उस पर अगर एक भी लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, वो लोन पेयर फिसल के पाई बॉन्ड बनाता है। और इस प्रकार से हमने डी भी बनाया और सी भी बनाया। तो अब लास्ट बचता है, अपने फ्रेश लाइन में हम बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटीज को हमें कंपेयर कराना है। तो चलिए हम लोग इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर कराते हैं। हमारे पास ये चार स्ट्रक्चर्स हैं। स्टेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो कुछ बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप ए की बात करिए, आप बी की बात करिए, ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर है जहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट दोनों में ही, वो चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें। कैसे, क्योंकि अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो बच्चों पहले ही बता चुके इसके पास छह इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर कार्बन आप देख सकते हैं दो बॉन्ड तो दिख रहा है, जो तीसरा नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है, और यहां तो तीन दिख ही रहे हैं तो और एक्स्ट्रा नहीं बनाने आपको, कार्बोकेटायन तीन बॉन्ड बनाता है। तो तीन इंटू दो यानी छह ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, तो दो स्ट्रक्चरों की ड्रॉ एक जो डीमेरिट है वो आपके सामने आ गया। अभी इनमें भी कंपेयर कराएंगे बाद में।
अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर सी की और स्ट्रक्चर डी की। बच्चों आपको बता दें, सी और डी में खास बात यह है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चरों में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां पर ये जो दोनों ही स्ट्रक्चर हैं ये ऑक्टेट कंप्लीट है। और चलिए हम लोग जोड़ के भी देखेंगे। चलिए आप सी की बात करें, ऑक्सीजन पर देख लीजिए, दो और तीन बॉन्ड ये, तो तीन इंटू दो छह इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डो से हो गए और दो ये हो गया आठ। कार्बन की बात करिए, चार बॉन्ड, एक बॉन्ड लेफ्ट से और तीन बॉन्ड राइट से, आठ। इसी प्रकार आप सभी की बात करेंगे, सभी का ऑक्टेट पूरा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट पूरा, इनको तो मंजिल मिल गई। अब हम डी की बात करते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन ले ले, यहां पे काउंट करते हैं दो दो चार और दो बॉन्ड से चार, चार और चार आठ। कार्बन की बात करिए, चार बॉन्ड लेफ्ट, दो लेफ्ट से दो राइट से, यहां भी कितने हो गए, चार बॉन्ड से आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें, इसका भी ऑक्टेट पूरा, देखिए कैसे, दो बॉन्ड तो ये हो गए राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं, तो यहां से चार इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर यहां से दो, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, चार दो छह और दो आठ, ये भी ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आपने देख लिया कि जो ए और बी है ये ऑक्टेट इनकंप्लीटेड है, जो सी और डी है ये ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो आप एक बात तो समझ गए कि ये जो सी और डी है ये बेहतर है ए और बी से, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन आपको स्टेबिलिटी का साइन है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो आपने एक चीज तो लिख ली भाई, एक चीज आपने ये पहचान लिया कि जो सी और डी है ये बेहतर स्ट्रक्चर है किसके मुकाबले, ए और बी के। अभी हमने ए और बी में तुलना करनी बाकी है और सी और डी में तुलना करनी बाकी है, तो चलिए हम वो भी करेंगे। इन दोनों में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। एक बार हम स्लाइड साफ कर लें, तो यहां पर हमारे पास कई प्रकार के फंडामेंटल्स होते हैं जिनसे हम तय कर सकते हैं भाई कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, और यही सारी हम लोग की चर्चा के विषय। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम ए और बी की बात कर लें कि इनमें कौन स्टेबल है कौन। जब आप ए और बी को देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली, इस कार्बन से दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, दो सिग्मा, ध्यान से देखेंगे, दो सिग्मा। आपको बता दें, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, और उसके बाद जब मल्टीपल बॉन्डिंग होती है तो वो पाई बॉन्डिंग्स होती है। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन लेफ्ट से एक सिग्मा बना रहा है और राइट से एक सिग्मा बना रहा है, और ये जो ऊपर वाला है ये पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है, और अगर लोन पेयर होता तो उसको भी हम काउंट करते, और आपको बता दें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की जो संख्या है, जो ये टोटल है सम है, ये तय करता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या तय करता है, हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है हाइब्रिडाइजेशन का, जिसके माध्यम से हम लोग तय करेंगे इन स्ट्रक्चर में, और कोई चारा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें पहले कुछ बातें हम आपको क्लियर कर दें, फिर हम अपने स्ट्रक्चर्स पर आएंगे और उनकी हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे। कुछ बातें पहले हम लोग देख लें। सबसे पहली बात यह है बच्चों, ये जो हमने बोला कि सिग्मा प्लस लोन पेयर, बच्चों सबसे पहले जान लें, इन दोनों के सम को हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। इसको हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, एस एन। अब ये जो स्टेरिक नंबर है ये तय करेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहां पर हम हिस्टेरिक नंबर लिखने जा रहे हैं और यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखने जा रहे हैं। अगर बच्चों स्टेरिक नंबर दो है, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी एसपी। देखिए एस वन पी वन दोनों का जोड़ टू, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अगर ये स्टेरिक नंबर जोड़ के तीन होता है तो ये होता है एस पी टू, जहां कुछ नहीं होता वहां वन। अब देखिए दो और एक मिलके कितना आ गए, तीन आ गए, ऐसे ध्यान रखेंगे। और ये अगर जोड़ के चार हो गया तो ये बन जाता है एस पी थ्री, पी के ऊपर थ्री लिखा है, जहां कुछ नहीं बने, तीन और एक चार।
तो स्टेरिक नंबर काउंट करना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अगर ये दो है तो sp, तीन है तो sp2 और चार है तो sp3। और ये भी ध्यान रखेंगे स्टेरिक नंबर में दो लोगों का योगदान होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड मत लीजिएगा, सिग्मा बॉन्डों का, और अगर उस पर लोन पेयर है तो वो भी इंक्लूड करना है, तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान। तो आखिर हमने ये हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया क्यों, उसके पीछे बहुत अहम बात है, और बात क्या है देखिए, बात ये है कि अब हम फिर से, अब ये चीज आप समझ गए हैं, अब हम अगली बात बताने जा रहे हैं जो कि बहुत अहम है, और फिर हम चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी। अगर बच्चों हम बात करते हैं एस और पी की, ध्यान से देखें, अब यहां पर हम कुछ बात लिखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एसपी की जब बात करते हैं तो यह दो भाग है, एक भाग एस का है एक भाग पी का है, एक भाग एस का है एक भाग पी का है, तो एस का कितना परसेंटेज हो गया, टोटल दो भाग है जिसमें से एक एस एक भाग है, तो दो में एक का क्या परसेंटेज हो गया, 1/2 × 100, ये आ गया 50%। कितना आ गया बच्चों, 50%। अब ध्यान से sp2 का देखेंगे तो और क्लियर होगा। जब आप बात करते हैं sp2 के तो टोटल देखिए तीन भाग है, एक भाग s का हो गया और दो भाग p के हो गए, टोटल कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, एक s है दो p है, इसमें s का कितना परसेंटेज हो गया, इन तीन में से s तो एक ही है तो इसका परसेंटेज हो गया 1/3 × 100, तो ये आ गया 33 1/3%। और जब आप बच्चों बात करेंगे sp3 की तो टोटल कितने हो गए, एक s का भाग हो गया और तीन p के, टोटल हो गए चार भाग, जिसमें s का कितना है, एक है, तो कितना परसेंटेज बना, s का एक है और टोटल चार है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बच्चों बन गया 25%। तो हमने अभी क्या आपको बताया, परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया, एसपी में 50, sp2 में 33 1/3, और sp3 में सबसे कम 25%। तो आखिर ये एस का जो परसेंटेज हम लोग ने निकाला ये किस प्रकार से स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, अब उसको जानने के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकलिटी जान लेते हैं, और वो ये है, ये जो बच्चों हमने एस कैरेक्टर निकाला है इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कोई एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है कार्बन, हमने ले लिया, हमने एक एलिमेंट ले लिया कार्बन, अब आप बात समझे, कार्बन है लेकिन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखिए क्या हो सकती है, एसपी भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है और sp3 भी हो सकती है, और इन तीनों ही स्टेटों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी बच्चों, है कार्बन लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिफरेंट हो जाएगी, वो डिफरेंट हो जाएगी, तो डिफरेंट होगी तो किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस प्रकार से एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। तो उसका आंसर अपने जहन में आप हमेशा रखें कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी अगर आपका एस कैरेक्टर ज्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, आपकी इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा होगी तो आप पर प्लस चार्ज शोभा नहीं देगा, प्लस चार्ज आप पे स्टेबल नहीं होगा, माइनस चार्ज स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है जिसको जिस चीज की जरूरत होती है अगर वो चीज दी जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर उससे उसको महरूम रखा जाए, डिप्राइव रखा जाए तो स्टेबिलिटी घटती है। तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत बढ़ रही है तो उससे माइनस तो अच्छा है प्लस अच्छा नहीं है,
इस बात को ध्यान रखें। इसी लास्ट जो हमने आपको पॉइंट बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज शोभा नहीं देता, माइनस चार्ज शोभा देता है, इस बात के आधार पर अब आगे हम स्टेबिलिटी को तय करने वाले हैं। तो चलिए इसी बात पर हम स्टेबिलिटी को तय कर लें अपने स्ट्रक्चर्स पर। हम स्टेरिक नंबर काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे और फिर फाइनल आपको एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे। तो जब हम बात करते हैं ए और बी की, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइज स्टेट देख लें। तो ए में आपने देखा कि यहां पर एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं कार्बन पर, तो स्टेरिक नंबर हो गया बच्चों इसका दो, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp और s कैरेक्टर हो गया 50%। अभी हमने निकाल के दिखाया था। आप इस कार्बन की बात करेंगे तो यहां पे दो बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, ये भी सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा, और हमेशा कार्बोकेटायन तीन बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड लाइन डायग्राम में दो दिया रहता है, एक आपको बनाना है, दिमाग में रखना है, क्यों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तीन बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये भी सिग्मा हो गया, पहला बॉन्ड है, तो तीन, तो यहां बच्चों जो स्टेरिक नंबर हो गया वो तीन हो गया, लोन पेयर एक भी है नहीं, और स्टेरिक नंबर तीन का हाइब्रिडाइजेशन बनता है बच्चों sp2, और यहां पर जो s कैरेक्टर है वो 33 1/3% है, हमने आपको निकाल के दिखाया था। तो यहां देखिए जो s कैरेक्टर है ज्यादा है a वाले में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख a वाले में ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन का ये भूखा है, उस पर से आपने इसको प्लस चार्ज दे दिया, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का कम भूखा है, ये प्लस चार्ज उसके मुकाबले ज्यादा बर्दाश्त कर लेगा। तो जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे प्लस चार्ज आप डालेंगे तो बेटर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस आधार पर जो हमने बातें की तो हम लोग डिसाइफर कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर बी इज बेटर दैन स्ट्रक्चर ए एस कैरेक्टर के आधार पर। अब हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं बच्चों सी और डी पर। ध्यान से देखें क्यों इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है जिसमें प्लस चार्ज, आप देखें ऑक्टेट दोनों का पूरा है, वो तो कोई डिफरेंस का विषय है ही नहीं, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी देखेंगे सी और डी में सेम है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एस कैरेक्टर के आधार पर। अब बच्चों हम सी की बात कर रहे हैं, आप इस ऑक्सीजन की बात करिए, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड को मत कैलकुलेट करिएगा, दो के बीच में एक ही सिग्मा पॉसिबल है, और ये एक लोन पेयर आपको दिखता है, और स्टेरिक नंबर में हमने आपको बताया है सिग्मा को भी लेना है, लोन पेयर को भी लेना है, तो यहां बच्चों जोड़ के आ गया दो, और दो का बनता है sp, यानी यहां पर s कैरेक्टर हो गया 50%। अब आइए आप स्ट्रक्चर डी में, यहां आप देखिए, तो यहां आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर ये दिखा, ये सिग्मा बॉन्ड एक राइट से इधर दिखा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का एक राइट में सिग्मा बॉन्ड, फिर एक लेफ्ट में हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर है इसके पास, तो यहां पर बच्चों इसका स्टेरिक नंबर हो गया सिग्मा दो और लोन पेयर एक तीन, और तीन का बनता है बच्चों sp2, और sp2 का परसेंटेज हुआ 33 1/3%। तो जो डी वाला है वहां s कैरेक्टर कम है, जो सी वाला है वहां s कैरेक्टर ज्यादा है, और हमने आपको बताया है अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है तो प्लस चार्ज उस पर शोभा नहीं देता, वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो आप समझ गए कि सी और डी में जो डी स्ट्रक्चर है इज बेटर देन सी ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर। और आप पहले ही जानते थे ये जो सी और डी है इन जनरल वो ए और बी से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सी और डी में ऑक्टेट पूरा था, ए और बी में नहीं था, तो फाइनल हायरार्की आ जाती है डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, फंडामेंटल्स पर आधारित, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कैसे डिपेंड करती हैं इस कैरेक्टर पर आधारित, इन सबको आधार बनाकर आप ये सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते थे। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था, और वीडियो को शॉर्ट ही रखने के लिए आज का ये पार्ट हम खत्म करते हैं। हो सकता है एक और पार्ट हम लेके आए, क्योंकि इतना अच्छा और इतना बड़ा टॉपिक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाया हुआ है,
तो अब एक और हम शायद पार्ट लेकर आए जिसमें और भी वैरायटीज जो हम इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, जिसमें एक एरोमेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ फिर आते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।